आज हम बात करेंगे सम एक्स फॉर्मूले के बारे में। जैसे एग्जांपल में हम सबसे पहले बात करते हैं कि कंडीशनल सम कैसे लें। मान लीजिए कि मेरा रोल मॉडल जो प्रोडक्ट है उसका टोटल मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है। जैसे कोटा है, यहाँ पे देख कोटा है, प्रोडक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं सिक्वल है, तो मुझे सिक्वल का टोटल यहाँ पे चाहिए। तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला, मैं कार्ड लूँ, कार्ड के ऊपर जाऊं और यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट को, यहाँ पे क्वांटिटी को शोल्डर करूँ और प्रोडक्ट को मैंने किस में रख दिया, मैंने प्रोडक्ट को रख दिया फिल्टर में, और फिल्टर में मैंने बोला, एक मिनट, प्रॉफिट डाल दिया गलती से, मैंने प्रोडक्ट को यहाँ डाला और यहाँ पे सिक्वल को क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए सिक्वल का टोटल आ रहा है, बट कई बार हमें इसकी टोटल में कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी करनी चाहिए होती है, इसलिए मैं फिल्ट्रेशन नहीं यूज करना है। मुझे यहाँ पे ऐसा फिल चाहिए जो सिर्फ सिक्वल का ही टोटल कर सके। तो ऐसे केसेस में मैं यहाँ न्यू मेजर्स में जाता हूँ, मैं जाता हूँ न्यू मेजर्स में, यहाँ डालता हूँ सिक्वल सिक्वल। अब यहाँ पे एक कैलकुलेट फॉर्मूला होता है जो कि सम इफ काउंट इफ जैसे फंक्शंस का यूज करता है। यहाँ होता है कैलकुलेट, तो कैलकुलेट, अब यहाँ कैलकुलेट में आता है एक्सप्रेशन, क्या करना है आपको, कैलकुलेशन क्या करनी है। तो मैंने लिखा कि मुझे करना है सम किसका, तो हमने बोला क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी का सम करना है। अब बारी आती है कंडीशन क्या है, तो कंडीशन मैंने बोला कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल टू SQL। ऐसे दूसरा तीसरा चौथा कंडीशंस आप कॉमा कॉमा करके लगाएंगे तो यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड जो है आपको यहाँ आ जाएगा। रखिए देखिए, SQL का टोटल यहाँ पे 68 के दिख गया। तो हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला बनाया जस्ट लाइक सम इफ, जैसे एक्सेल में यूज करते हैं, और इसने कैलकुलेशन हमने कर दी। तो जब मेजर्स के ऊपर इस तरह की कंडीशनल चाहिए तो मुझे अगर सम के जगह पे मैं आगे कर दूं काउंट, तो ये हमको काउंट दे देगा। काउंट के जगह पे मैं दे दूं मैक्स, तो ये आपको मैक्स दे देगा। मैं कर दूं मिन, तो मिनिमम वैल्यू दे देगा। मैं कर दूं एवरेज, यहाँ पे एवरेज, तो आपका एवरेज भी। ठीक है, लेकिन सेम काम मुझे टेबल पे करना। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लास्ट क्लास में फिल्टर फॉर्मूला पढ़ाया था। मान लीजिए कि मुझे ऐसे यहाँ पे हम लोग टेबल निकालते हैं ना, कि हमने यहाँ पे टेबल ले लिए। अब इस टेबल के अंदर में हमने क्या किया कि मुझे मान लीजिए प्रोडक्ट वाइज टोटल चाहिए, प्रोडक्ट वाइज आप यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह टोटल निकाल लेते हैं, बट मुझे यहाँ कैलकुलेशन करना है कि क्वांटिटी पे मुझे 10% लेना है या इफ कंडीशन लगाना है, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन करना है, बट टेबल के ऊपर हम इस तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में हम चाहते हैं कि खुद का एक समराइज टेबल बना यहाँ पे। तो इस केस में हमने यहाँ पे गए टेबल टूल्स में, न्यू टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे मान लीजिए कि हमने पी आर जी का नाम दे दिया टेबल का, और यहाँ हमने लिख दिया ऑल, क्या लिख दिया ऑल, और ऑल में मैंने दे दिया अपना प्रोडक्ट। यहाँ आपका प्रोडक्ट लिस्ट दिख गया।
अब मुझे इसके आगे इसका क्वांटिटी का टोटल चाहिए, किसका टोटल चाहिए, क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो ऐसे केसेस में न्यू कॉलम करेंगे। अब बट यहाँ पे कैलकुलेट फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, यहाँ अगर हम कैलकुलेट फॉर्मूला लगाएं तो कैलकुलेट फॉर्मूला यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे सम कर दिया मैंने, सम में मान लीजिए मैंने अपनी क्वांटिटी दे दी और कंडीशंस में मैंने बोला कि प्रोडक्ट इक्वल टू पीआरजी का नहीं, ठीक है आपको, प्रोडक्ट इक्वल टू, मैं यहाँ पे किसी फील्ड का नेम दे ही नहीं सकता, नहीं आ रहा है, तो कैलकुलेट फील्ड यहाँ वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है सम एक्स का, इसका लगाते हैं सम एक्स का। अब सम एक्स, काउंट एक्स, मैक्स एक्स जैसे फॉर्मूला को आप एक बार समझ लीजिए, मैं जब समझाता हूँ पहले। तो क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए हमने क्यूटी कर दी, अगर मान लीजिए मुझे अगर सम निकालना है तो सम में मैं किसी एक फील्ड को ही दे सकता, पूरी सीट करूंगा सम तो पूरी सीट सम नहीं होगा, मुझे उस सीट के अंदर किसी एक कॉलम का फील्ड देना पड़ेगा, किसी भी एक कॉलम का, तब जाके आपका सम होगा, समझ गए। तो सम फॉर्मूला में क्या होता है कि सम फॉर्मूला मेजर्स में लगते हैं, लेकिन क्या है कि किसी एक फील्ड का ही टोटल आप यहां दे सकते हैं, एक ही फील्ड दे सकते हैं। लेकिन इसी में हम सम एक्स यूज करें, यहां पे हम सम एक्स कर देते हैं, तो सम एक्स के अंदर मैं यहां पे पूरी की पूरी सीट को चूज कर सकता हूं, और मैं यहां दूंगा कि जो सीट है हमारा सीट वन उसकी क्वांटिटी का टोटल निकाल, समझ गए, तो उसकी क्वांटिटी का टोटल आपको दे देगा। तो दोनों का काम यहाँ पे सेम है ना। तो आप बोलेंगे सर सम तो सिंपल एक एक सेल लेता, एक कॉलम ले लिया दे दिया, फिर सम एक्स का यूज क्या हुआ। सम एक्स का यूज यहाँ पे देखिए दो चीजें होता है, सम एक्स का यूज हम कंडीशंस के लिए करते हैं। मान लीजिए मुझे एसक्यूएल का टोटल चाहिए, सीट वन जो डेटा दे रहा है ना, इसके जगह पे फिल्टर का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है कि फिल्टर सीट वन में लगाना है और प्रोडक्ट जो है इक्वल टू होना, प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट इक्वल टू होना चाहिए एसक्यूएल। तो अब यहां पे देखिए क्या हुआ कि फिल्टर जो है क्या देगा सम एक्स को, फिल्टर डेटा देगा ना, सिर्फ इक्वल का डेटा देगा और क्वांटिटी वन आपका देखिए यहां पे टोटल करके दे देगा। यहां देखिए सिक्वल का टोटल सिर्फ, तो सम एक्स फॉर्मूला समझ में आया आपको सर कि नहीं आपको, सर गांधी जी हाँ मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना आपको कि और एंड मल्टीप्लाई और प्लस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने किया और सम एक्स, सम का खासियत क्या है कि वो सिर्फ मेजर पे वर्क करता है, बट सम एक्स आपका टेबल पे भी वर्क करता है। मतलब मैं यहाँ टेबल टूज के अंदर न्यू कॉलम जाऊं और यहाँ पे मैं क्वांटिटी का कॉलम लूं और यहाँ पे लगाऊ फॉर्मूला सम एक्स, यहाँ पे दूं फिल्टर, फिल्टर में सीट वन को सिलेक्ट करूं और मैं बोलूं कि जो सीट वन का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू पी आर जी का प्रोडक्ट होगा और फिर मैं बोलूंगा कि सीट वन का क्वांटिटी को सम करना है। आ गया सर, तो इसमें सम एक्स आपका ये नहीं करता है। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सम एक्स कंडीशनल सम नहीं देता है। सम एक्स की एक ही स्पेसिफिक, दो स्पेसिफिक चीजें हैं, पहली कि वो टेबल्स के कॉलम में भी वर्क करता है, दूसरा पूरी सीट को रेफरेंस में लेके उस सीट का किसी एक कॉलम का टोटल देता है, ठीक है।
तो यहां पे हमने फिल्टर को कंबाइन कर दिया, तो क्या हो गया कि फिल्टर ने सम एक्स को कंडीशनल डेटा दिया जिसका मुझे टोटल निकालना है। तो जब उसको डेटा कंडीशनल मिला तो कंडीशनल सम दिया, तो एक तरह से सम भी जैसा बिहेव हो गया। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को सर? तो सम एक्स की जगह और चीजें भी कर सकते, जैसे मुझे एवरेज निकालना है एमआरपी का। ये फॉर्मूला बिल्कुल जो आपने लगाया है बिल्कुल सेम फॉर्मूला होगा। एक बार और लगा के दिखाता हूं न्यू कॉलम में। यहां पे मैं लिखता हूं एमआरपी, मुझे एमआरपी है क्या चाहिए, एवरेज चाहिए एमआरपी। मैं लगाऊंगा यहां पे फॉर्मूला एवरेज एक्स, और इसमें दूंगा फिल्टर, फिल्टर के अंदर दूंगा सीट 1, फिर दूंगा कंडीशन की प्रोडक्ट, सीट 1 का प्रोडक्ट इक्वल टू पीआरजी का प्रोडक्ट, देन मैं कॉलम दूंगा एमआरपी की, सीट 1 का एमआरपी का एवरेज निकालना है। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ गया। अब उसको मुझे राउंड में करना है, तो मैं इसके आगे राउंड का भी फॉर्मूला लगा दूंगा और बोलूंगा कि 0 मुझे डेसिमल नहीं चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए कि मुझे हाईएस्ट एमआरपी चाहिए, क्या चाहिए हाईएस्ट एमआरपी, तो एच एमआरपी, तो क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे मैक्स एक्स, मैक्स एक्स यहाँ पे सेम दूंगा फिल्टर, फिल्टर में क्या लूंगा सीट 1, इसके अंदर दूंगा कि प्रोडक्ट इक्वल टू सीट 1 प्रोडक्ट इक्वल टू पीआरजी प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमने मुझे यहाँ पे मुझे देना है मुझे किसका चाहिए, तो MC1 का MRP, एंटर मारा तो मैक्सिमम आ गया। ऐसे मुझे मीन एक्स चाहिए, तो यहाँ पे न्यू कॉलम, यहाँ पे मीनेक्स ठीक है सर, समझ में आ गया आपको? इसको बोलते हैं समराइजेशन फॉर्मूला, कि आप इस तरह से सबकी समरी निकाल सकते हैं। क्लियर है? एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है सर, तो इसको मैं बोलूंगा कि आगे पढ़ने से पहले इसकी प्रैक्टिस कर ले, जितने भी एक्स वाले फॉर्मूले हैं। क्या बोल रहे हैं सर? गांधी जी हो गया आवाज आ रही है, आ रही है। वैसे कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें फिल्टर में और भी वो सारी चीजें लगाएंगे, तो यहाँ कैलकुलेट फॉर्मूला और सम एक्स फॉर्मूला दोनों का प्रैक्टिस कर लें, दोनों के बीच में आप चेक कर लें कि क्या क्या बेनिफिट्स है क्या लोगों के नुकसान, ठीक है? क्योंकि इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज होता है जब आप डैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? चलिए इसको कीजिए, परसों की क्लास में हम आपको डैक्स क्यूरी के बारे में बताएंगे, ठीक?